हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी कार्ड्स के ऊपर। दोस्तों, हम मेमोरी कार्ड का यूज किस वक्त करते हैं? जब हमें हमारे फोन की स्टोरेज को बढ़ाना होता है, उस वक्त हम किसी भी शॉप में जाते हैं, एक मेमोरी कार्ड परचेज कर लेते हैं और हमारे फोन में उसे इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम मेमोरी कार्ड परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उसकी स्टोरेज तो लिखी होती है और स्टोरेज के साथ साथ उसकी क्लास भी लिखी होती है, जैसे कि क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10। तो ये जो है, ये क्लास क्या होता है, ये कई सारे यूजर्स को अभी भी पता नहीं है। तो दोस्तों, क्लास का मतलब होता है उसकी स्पीड। क्लास 4 अगर किसी मेमोरी कार्ड पे लिखा हुआ है तो समझ लेना कि उसकी जो स्पीड है वो है 4 Mbps, 4 मेगाबाइट पर सेकंड की उसकी रीड एंड राइट की स्पीड होती है। किसी मेमोरी कार्ड के ऊपर लिखा होता है क्लास 6, तो क्लास 6 का मतलब होता है 6 मेगाबाइट पर सेकंड उसकी रीड एंड राइट की स्पीड होती है। तो दोस्तों, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे फोन में हमने कौन सा मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट करना चाहिए, कौन सा जो मेमोरी कार्ड है वो हमारे फोन के लिए सुटेबल है? तो दोस्तों, अगर आपके पास लो एंड का डिवाइस है, समझो जिसमें जो वीडियो शूट आप करते हो वो फुल HD में नहीं होता है, HD में वीडियो शूट होता है, तो ऐसे फोन्स के लिए आप क्लास 4 या क्लास 6 का मेमोरी कार्ड जो है वो यूज कर सकते हो। अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है जिसमें फुल HD में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो या 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ऐसे डिवाइस में कभी भी क्लास 4 या क्लास 6 का जो मेमोरी कार्ड है वो इंसर्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको क्लास 10 का मेमोरी कार्ड सुटेबल रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हाई एंड डिवाइसेस होते हैं इनमें रीड एंड राइट की स्पीड भी हाई चाहिए। यानी अगर आप हाई एंड डिवाइस में क्लास 4 का मेमोरी कार्ड डालोगे तो आपका फोन भी स्लो हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पीड है वो काफी कम आती है और हाई एंड डिवाइस के लिए जो रीड एंड राइट की स्पीड होनी चाहिए वो भी अच्छी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप हाई एंड डिवाइस में क्लास 10 का मेमोरी कार्ड लगाओगे तो आपका जो डिवाइस है वो स्लो होने की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप पहचान सकते हो अपने फोन के ऊपर से ही कि आपके फोन में कौन सा जो मेमोरी कार्ड है वो आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा मेमोरी कार्ड अपने फोन में लगाना चाहिए। अगर आप DSLR की बात करोगे तो DSLR में कभी भी क्लास 4 या क्लास 6 के मेमोरी कार्ड्स नहीं होते हैं, उसमें क्लास 10 के या UHS जो मेमोरी कार्ड आते हैं वही मेमोरी कार्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है रीड एंड राइट की वो काफी ज्यादा होती है और उसकी वजह से वीडियो शूट हो गया या तो फोटोग्राफी हो गई, उनकी जो स्पीड रहेगी वो काफी अच्छी होने से आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आप ये बातें ध्यान में रखिए, अगर आपके फोन लो एंड डिवाइस में आता है तो आप क्लास 4 या क्लास 6 का जो मेमोरी कार्ड है वो लगा सकते हो, अगर आपका फोन जो है हाई एंड डिवाइस है तो आप क्लास 10 का जो मेमोरी कार्ड है उसे यूज कीजिए अपने फोन में, ताकि आपका फोन कभी स्लो ना हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी, शायद मुझे उम्मीद है शायद आपको ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।